लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, लोगों के पास खाने तक का राशन नहीं है, राशन है तो 3-4 दिन हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, और आप देख सकते हैं सूना पड़ा है, सब तमाम इलाका सूना पड़ा है, कोई मजदूर अपने घर से नहीं निकल सकता मजदूरी के लिए। ये समस्या धीरे धीरे आने वाली है, गवर्नमेंट भी इसका कुछ हल निकाल रही है, गवर्नमेंट ने भी चिन्हित किया है ऐसे मजदूर को जो दिहाड़ी मजदूर है, उनको कुछ हेल्प की जाए, गवर्नमेंट करेगी। अभी हेल्प आनी शुरू होगी लेकिन अभी नहीं आई है हेल्प। कुछ 35 किलो शायद राशन वगैरह के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम एक नागरिक होते हुए, भारत के नागरिक होते हुए अपने देश का साथ दें, अपने वतन का साथ दें, क्योंकि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में एक दिन हमें जाना है। और हमारी ज़िम्मेदारी, अगर हम अपने घर में हैं और हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो यकीन माने बहुत ही अफसोस की बात है, और एक दिन हमसे जवाब होगा कि मुशाहिद तुम अपने घर में खाना खा रहे थे और तुम्हारा पड़ोसी बराबर में भूखा सो रहा था, उस वक्त शायद हम वो चीज़ फेस ना कर सकें, उस वक्त हम उस सुपर पावर से नज़रें ना मिला सकें जिस वक्त हमसे ये जवाब होगा। अभी जैसे माहौल चल रहा था, कितनी परेशानी हो रही है? इतनी परेशानी हो रही है कि बस ये सोच रहे हैं कि कहाँ से खाएं कहाँ से ना खाएं, इतनी परेशानी है, इतनी बहुत ज़्यादा है। अपना भी ऐसी हाल है, ये बराबर में सटर है, उसमें रह रहे हैं, 4-5 बच्चे घर वाले की, 3 महीने से तबीयत ख़राब है, बेड रेस्ट है उसका। और जो मजदूरी कर रहे थे ठेली लगा के, वो मार्केट बंद हो गई सारी। अब शनिवार से लेकर यहाँ तक किसी भैया ने 100 रुपये दे दिया, किसी ने 200 दे दिया, ऐसे चलेगा काम? अब वो भी ख़त्म, अब आदमी कौन कौन कहाँ कब तक देगा? बस सरकार से कुछ मिल नहीं पा रहा, अब भागा दौड़ी फिर रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो मार्केट में भाड़ा ही नहीं, मार्केट बंद है तो हम क्या करेंगे? अभी बच्चे भी कह रहे थे कि अब ये करो वो करो, कहाँ तक रहे बेटे, रुक जा भी ला रहे कहीं से, किसी 100-200 रुपये इंतजाम करके। ये घर में खाने के लिए अभी अनाज नहीं? अभी नहीं, देखो झूठ तो है नहीं इसमें, अनाज तो है मेरे पास, क्योंकि अभी राशन से ले लिया था वो पिस गया, बस खर्चे की दिक्कत हो रही है, छोटा बच्चा दूध पीता, बस दूध की और रोज़मर्रा की जैसे चीज़ें हैं उनकी परेशानी है, लेकिन और खर्चे की परेशानी ज़्यादा हो रही है। अब जैसे घरवाले की तबीयत ख़राब है, दवाई लेने जाओ। पहले जब आपका आप ये माहौल नहीं था तो आपका हाथ नहीं है, आप मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते थे, 21 दिन रहेगा तो फिर कैसे करोगे? बस देखो जी, अल्लाह मालिक है, ये सब चीज़ का अल्लाह मालिक है, करेंगे उधर गेहूँ है मेरे घर में, तो बस मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैंने वही बताया ना, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलो आटा होगा मेरे घर में, और कुछ नहीं है, पैसे नहीं है खर्चे पानी के लिए। हमारे भी हालात हो रहे हैं, मतलब पैसे की दिक्कत है, वो दूध डाल लिया, बच्चे का दवाई दारू लिया, वो कुछ नहीं। परेशानी तो हर किसी को हो रही है, ये मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि ये वक्त लोगों की मदद करने का है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको इसीलिए पैसा दिया हो, इसीलिए दौलत दी हो कि इस वक्त में आप अपने लोगों का, अपने भाइयों का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप हेल्प कर सकते हैं, उसकी हेल्प कीजिए। ये भाई दोनों पैरों से माजूर हैं, आप देख सकते हैं इनके चल नहीं सकते, और आज के टाइम में इनके घर में सिर्फ 2-3 किलो आटा है। साहब दो लड़के हैं छोटे, एक लड़की है बड़ी और एक मेरी बीवी है। अच्छा, आपके छोटे बच्चे कितने बड़े हैं? बड़ा लड़का मेरा 10 साल का है, उससे छोटा मेरा 3 साल का है, लड़की 13 साल की है। अली रजा नाम है। अली रजा भाई, ये बताइए आप क्या काम करते थे? मैं कवाड़े की मजदूरी करता था, एक दफ़े पानी से पैर ख़राब पहले से ही है, मैं पानी बेसर पट गया तो मेरे दूसरे पैर का जोड़ हट गया, जिससे मैं काम से बिल्कुल बेकार हो गया, इस टाइम बहुत मुसीबत परेशानी में हूँ। तो अभी आप यही सोच रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है ये वो किस दिन कैसे कर देंगे? हाँ, यही सोच। तो कॉलोनी वाले कुछ साथ नहीं देते? नहीं, किसी के पास जाएँ क्या फ़ायदा, कोई मजाक उड़ाए, इसलिए हम शर्म के पास किसी के पास नहीं जा रहे। देखिए अली भाई, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो लोग देखेंगे, और हमारी वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको देख के और लोग आ गया है। अभी पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था मेरे छोटे भाई का, उसकी जिस लड़की 18 साल की ख़त्म हो गई, और घरवाली के एक बोला बेकार है, जिससे उसके घर में भी उसका भी मजदूरी करता है वो भी बेकार है इस टाइम, वो भी घर एक एक दाने से परेशान है, बहुत परेशानी का सामना कर रहा है वो भी। हम ये चाहते हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, ये जो लोग हैं ये आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अगर एक आदमी भी अपने मोहल्ले के 10 आदमी की जिम्मेदारी उठा ले, तो मैं मानता हूँ कि एक मोहल्ले में
एक कॉलोनी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अभी जैसे अली भाई हैं, ये भाई हैं, ये मजदूरी करते थे, अपने इसी हाथ से मजदूरी करते थे, खुददार आदमी थे, लेकिन आज इनको कैमरे के सामने आना पड़ रहा है, कैमरे के सामने आके इनको लोग से मदद मांगनी पड़ रही है। तो प्लीज आप, ठीक है, कुछ पैसा है और अपने इस पैसे से आप, ठीक है, कुछ अली भाई, ये कुछ पैसा है भाई, ये रख लीजिए, ये कम से कम आपका 2-3 दिन 5 दिन का राशन आ जाएगा। और आपके कौन से भाई हैं बताइए? आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अभी हम दूसरे परिवार में जा रहे हैं, दूसरे परिवार में इन्होंने बताया इनके भाई की जो हालत है वो ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया है, उनकी जो उनकी वाइफ है उसको भी परेशानी है। होगा तो मैं चाहता हूँ कि अपने अपने इलाकों से निकलिए, मतलब अपने मोहल्लों में कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों की जिम्मेदारी ले, 10 लोगों की जिम्मेदारी लेके उनके खाने की जिम्मेदारी ले, उनको राशन पहुँचाए। अगर एक व्यक्ति भी राशन अगर पहुँचा देगा तो हो सकता है कि उनके घर में चूल्हा जल जाए, उनके घर में राशन, उनके घर में रोटी बन जाए, वो जो बिलकते हुए बच्चे हैं वो बिलकते हुए बच्चे शायद पेट भर कर खाना खा सके, और जब उनके दिल से दुआ निकलेगी तो वो वाकई में आपको दिल से दुआ देंगे, और ऐसे लोगों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए, जो मोहल्ले में है आप मोहल्ले की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।